हाय फ्रेंड, आईडीएसएफ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्लांट किंगडम यानी पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पौधों को कितने समूहों में बांटा जाता है? 5 समूहों में बांटा जाता है। इनमें से कौन सा एक नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए, 5 समूह में से इसमें से कौन सा एक नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है? सी वाला, ठीक है। प्रोटोकार्डिटा, ये 5 समूहों में से नहीं है, ये 5 समूहों में से नहीं है। बाकी देखिए, एक होता है आपका थैलोफाइट, ठीक है। देखिए, दिया नहीं है इसमें, एक लिख लीजिएगा थैलोफाइट, क्या हो जाएगा आपका थैलोफाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक थैलोफाइट हो जाएगा, ठीक है, थैलोफाइट। दूसरा हो जाता है ब्रायोफाइट, और तीसरा होता है टेरिडोफाइट। 3 हो गया। उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को क्या बोला जाता है? अनावृत बीजी बोला जाता है। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? अनावृत बीजी बोला जाता है। देखिए, ये 4 हो गया। अब पांचवे पे आपको ध्यान रखना है, पांचवे होता है आवृत बीजी, जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो यही 5 समूह होते हैं। तो कौन से नहीं होते हैं? प्रोटोकार्डेटा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्री हो। कह रहा है कि आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्री यानी केंद्र भी हो। तो किसमें रखेंगे उसको? प्लांटी में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा? प्लांटी में रखा जाएगा। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलियम पढ़ चुके हैं, ये सब इसमें नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से अब शुरू हो जाएगा आपका कवक, ठीक है। क्या शुरू हो जाएगा? कवक। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जो कवक होते हैं थैलोफाइट में रखे जाते हैं। देखिए, आपका होता है कि नंबर 1 बताए हैं क्या होता है? थैलोफाइट होता है। क्या होता है? थैलोफाइट। थैलोफाइट होता क्या, पहले ये भी आपको जान लेना है। थैलोफाइट में जो पौधे शामिल होते हैं उनमें जड़, ध्यान दीजिएगा, जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती। जड़, तना और पत्ती, ठीक है। पत्ती में विभाजन नहीं होता इसमें, क्या होता है थैलोफाइट में? जड़, तना और पत्ती में विभाजन नहीं होता। वो किस वर्ग में रखे जाते हैं? थैलोफाइट में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? थैलोफाइट में। और इसमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन आते हैं? शैवाल हो गया, ठीक है। क्या हो गया? शैवाल हो गया, और आपका कवक हो गया। शैवाल हो गया और कवक, ये 2 ध्यान रखिएगा किसमें आते हैं? थैलोफाइट में आते हैं। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो शरीर के बाहर विखंडित करता है और पचे हुए भोजन को अवशोषित कौन करता है? आपका मशरूम करता है। कौन करता है? मशरूम करता है। कौन करता है? मशरूम करता है। मशरूम किसके अंतर्गत आते हैं? कवक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, किसके अंतर्गत आते हैं? मशरूम कवक के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको कि जो मशरूम होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन डी, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवी किण्वन के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, ये मेन रूप से श्वसन चैप्टर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेन रूप से देखा जाए श्वसन चैप्टर से है। तो जब मानव वाला पढ़ाएंगे, ठीक है, जहाँ पे श्वसन होगा वहां पे ये वाला हम आपको रिएक्शन समझा देंगे। फिलहाल इसमें क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के श्वसन होता है, एक वायवीय श्वसन होता है, एक अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। तो अवायवीय किण्वन के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट किसमें टूटता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया में होती है, तो किण्वन की जो प्रक्रिया किसमें होती है? इष्ट में होती है। किसमें होती है? इष्ट में होती है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? इष्ट में होती है। किसमें होती है? इष्ट में होती है। अच्छा, किण्वन प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो इस शर्करा के घोल में से शर्करा को कार्बनिक पदार्थ जैसे अल्कोहल हो गया, आपका लैक्टिक अम्ल हो गया, इस सबको क्या किया जाता है? अपघटित कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि बनाने में इष्ट का उपयोग किया जाता है, तभी बताए हैं कि किण्वन का में क्या बनता है? जैसे आपको अल्कोहल हो गए, तो अल्कोहल में से आपका शराब आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
मृतपोजी कवक है। मृतपोजी कवक इसमें कौन सा है यही आपको बताना है। तो मृतपोजी कवक कौन हो जाएगा आपका, पेंसिलियम। क्या हो जाएगा, पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या होता है, मृतपोजी कवक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो पेंसिलिन है इसका खोज किसने किया था, पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन थ्योरी टाइप के होते हैं, जब एक से दो बार आप पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये नाइन्थ बायोलॉजी में सभी चैप्टर है। तो देखिए कह रहा है पेंसिलिनियम एक है, पेंसिलिनियम एक है, तभी बताए हैं पेंसिलिनियम क्या होता है, एक कवक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले आप दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए लाइक करना फ्री कॉस्ट होता है, तो इस वीडियो का टारगेट भी रखा गया है 100 लाइक, 100 लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है, तो पौधे में कवक रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, साइट्रस कैंकर, ये कवक रोग नहीं है। बाकी गेहूं का किट, गन्ने की लाल सड़न कई बार पूछता है, अंकुर का आद्र पतन, ये सब है ठीक है। तो साइट्रस कैंकर पौधों में क्या होता है, इन कवक वाला रोग नहीं होता है, ये वाला क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा ये जो है ये कवक रोग नहीं, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पॉक्सिनिया ग्रैविनिक्स कवक से होता है, तो पॉक्सिनिया ग्रैविनिक्स कवक से होता क्या होता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट, गेहूं में जो ब्लैक रस्ट होता है वो किसके कारण होता है, पॉक्सिनिया ग्रैविनिक्स नामक कवक से होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा ठीक है। अच्छा देखिए ये आपको बताएं कि गन्ने में लाल सड़न ये वाला कई बार पूछता है ठीक है, ये भी किससे होता है, कवक से होता है। देखिए कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम इसके नाम से होता है, बस आपको ऐसे पूछता है गन्ने में लाल सड़न किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि कौन से इसके कारण कौन सा होता है, हम आपको स्क्रीन शॉट लेके इसका लगा देंगे, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन सा रोग किसके कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोपस मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार होता है, तो किस प्रकार का प्रजनन होता है, इसमें बीजाणु द्वारा होता है। किस प्रकार का होता है, बीजाणु द्वारा होता है। अब देखिए जैसे विखंडन के बारे में, पुनर्जनन के बारे में, निषेचन के बारे में ठीक है, तो यहाँ आप इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। देखिए अगर इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे ठीक है, एनिमल किंगडम वाला, तो विखंडन पुनर्जनन यानी ये सब पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो कौन सा होता है आपको बताना है। तो कौन होता है, राइजोपस होता है। कौन होता है, राइजोपस होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है, कौन होता है, राइजोपस होता है। कौन होता है, राइजोपस होता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं, तो कह रहा पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइट। किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइट के अंतर्गत अभी बताए हैं कौन कौन आते हैं, शैवाल आते हैं और कवक आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है कौन, खमीर ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं ठीक है, एक स्वतंत्र जीव बनते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। अभी इसके पहले दोस्तों हमने आपसे कई बार कह चुके हैं, अगर आप कंटिन्यू बायोलॉजी वाला सीरीज देख रहे हो, मुकुलन के बारे में पुनर्जनन विखंडन सब उस वहाँ पढ़ा दिए हैं ठीक है। तो अपने छोटे जीव अपने शरीर से अलग हो जाते हैं, तो किसमें होते हैं, बडिंग यानी मुकुलन में होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि बहुविखंडन द्वारा जनन होता है, तो बहुविखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है, तो जो लाइकेन होता है, ठीक है, जो लाइकेन होता है ये किसमें आता है? लाइकेन भी किसमें आता है? आपका थैलोफाइट में आता है। अच्छा देखिए, लाइकेन बताना भूल गए हैं कि थैलोफाइट में ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका शैवाल आता है, ठीक है, शैवाल आता है, कवक आता है, और ये लाइकेन, तीन ध्यान रखिएगा इसमें आता है। कौन सा होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वे समूह में आते हैं, तो किस समूह में आते हैं? वो थैलोफाइट में आते हैं। किसमें आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। इसमें कह रहा है जिन पौधों में अस्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वो किसमें आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। आपको थैलोफाइटा में पहले बताए हैं किसमें क्या होता है, जड़ होता है, जो तना होता है, पत्ती में विभाजन नहीं होता है, ठीक है, यानी इनका रूपरेखा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है, तो जो कुकुरमुत्ता होता है क्या होता है? सेप्रोट्रोफ होता है। क्या होता है? सेप्रोट्रोफ होता है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसको एक क्या बोला जाता है, मशरूम बोला जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मशरूम बोला जाता है। और एक प्रकार के मशरूम क्या होता है? कवक होता है। मशरूम क्या होता है? कवक। अच्छा देखो, कुकुरमुत्ता सेप्रोट्रोफ मतलब होता क्या है, हिंदी में इसको बोला जाता है मृतोपजीवी, ठीक है, इसके पहले अभी पढ़े थे ना, उसमें पूछा था इसमें से कौन सा मृतोपजीवी है, ठीक है, मृतोपजीवी कौन होता है, तो वहाँ पढ़े थे मशरूम होता है, ठीक है, मशरूम होता है। सेप्रोट्रोफ मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी। और मृतोपजीवी कौन होता है? कुकुरमुत्ता होता है, जिसको मशरूम बोला जाता है। क्या होते? कवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये ध्यान रखिए, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे कहा जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति देखिए कैसे कवक कैसे काइटिन, ध्यान रखिएगा किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि मशरूम है, तो मशरूम को भी पढ़े हैं, मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है। मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है। अगला क्वेश्चन है एक बहुकोशिकी जीव है, तो एक बहुकोशिकी जीव कौन सा है? एगेरिकस, ठीक है, एगेरिकस, ये क्या है? एक बहुकोशिकी जीव है। ये क्या है? एक बहुकोशिकी जीव है। और एक प्रकार का ये क्या है? कवक है। ध्यान दीजिए क्या है? एक प्रकार का कवक है। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है, तो शैवाल किससे संबंधित, अभी बताए हैं कि चाहे शैवाल पूछे, चाहे कवक पूछे, ठीक है उसको, चाहे लाइकेन पूछे, ये सब किस में होते हैं? थैलोफाइटा में होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कवक जो अपनी भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंटोमोपैथोजोनिक होता है। क्या नाम इनका नाम? एंटोमोपैथोजोनिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक रखा गया, तो 100 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए 500 व्यूज आ रहा है लेकिन किसी वीडियो पर भी 100 लाइक नहीं हुआ, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप जितने जल्दी 100 लाइक करेंगे उतने जल्दी जल्दी वीडियो पड़ेगा, जब लाइक ही नहीं करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ता ही नहीं है, तो फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं होता है। तो जो फ्री कास्ट होता तो उसे ज़रूर कर दीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है, ये क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं, इष्ट करता है। कौन करता है? मुकुलन द्वारा इष्ट करता है, यानी बडिंग द्वारा कौन करता है? इष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है, तो बडिंग द्वारा कौन पुनरुत्पादित होता है, तो कौन होता है? खमीर और हाइड्रा, ठीक है, कौन होता है? खमीर और हाइड्रा किसके द्वारा होते हैं? बडिंग द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
कि निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटो समूह में वर्गीकृत नहीं होता। थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता। देखिए अब थैलोफाइटा में कौन सा नहीं होता है, हेरिक्सिया, ठीक है, हेरिक्सिया नहीं होता है, बाकी कारा उल्बा स्पायरोगायरा होता है। अब ये सब क्वेश्चन जब डिटेल में पढ़े रहेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो रिक्सिया नहीं होता है, ठीक है, कौन नहीं होता है, रिक्सिया नहीं होता है, ये ब्रायोफाइटा में आता है, ठीक है, ये किस में आता है, ब्रायोफाइटा में, इससे किस में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है। अगला क्वेश्चन है, में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, तो किस में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, तो किसमें होता है आपके मुकुलन बडिंग में, ठीक है, मुकुलन जिसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, मुकुलन में क्या होता है, असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है, तो किसमें होता है, इष्ट में होता है, किसमें होता है, इष्ट में होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, कौन सा होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड माल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं, तो ब्रेड माल्ड के रूप में कौन से जाने जाते हैं, इसके बारे में पढ़ी चुके हैं, राइजोपस, क्या बोला जाता है, राइजोपस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राइजोपस बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा शैवाल, यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा आपका शैवाल, देखिए क्लेमाइडोमोनास जैसे कई एक कोश की शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं, वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, क्या करते हैं, वो अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं, पूरक आहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखिए स्पायरुलिना होता है और क्लोरेला होता है, क्या होता है, क्लोरेला होता है, तो ए और सी होता है, ये दोनों नहीं होते, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका दिया है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला को हिंदी में बोलते हैं हरी शैवाल, इसको क्या बोलते हैं, हरी शैवाल बोलते हैं, इसमें प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, भरपूर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो सहजीवी संबंध को कौन सा दर्शाता है, काई, ठीक है, सहजीवी संबंध को कौन सा दर्शाता है, काई दर्शाता है, क्या दर्शाता है, काई दर्शाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों तनों और पत्तियों में विभेद नहीं किया जाता है, तो ये बताएं, एक इसमें होता है आपको थैलोफाइटा में, ठीक है, थैलोफाइटा में बताएं जड़ तना और पत्तियों में विभाजन नहीं होता, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा थैलोफाइटा है, तो इसे जो कारा होता है, ठीक है, जो कारा होता है ये क्या होता है, थैलोफाइट के अंतर्गत आता है, क्या होता है, ये कारा होता है, थैलोफाइटो के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वड़कों पर निर्भर करता है, इनमें से कौन सा वड़क शैवाल के हरे रंग का कारण होता है, तो कौन से हरे रंग का कारण होता है, यहीं आपको बताना है, तो जो क्लोरोफिल होता है यही हरे रंग का कारण होता है, क्लोरोफिल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़ तना और पत्ते में विभेदित नहीं किया जाएगा, तो ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, थाइलोफाइटो के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, स्पायरोगायरा आता है, कौन आता है, स्पायरोगायरा आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसके अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है, तो अंतहीन स्रोत कौन उत्पन्न कर सकती है, यहीं आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा इसका, मीथेन, कौन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो अभी बताएं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और लाइकेन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित
नहीं होते हैं उस समूह से संबंधित हैं, तो किस समूह से संबंधित वहीं आपको बताना है। तो कह रहा, देखिए इसमें कह रहा है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग कौन होते हैं, जड़ होता है, तना होता, पत्ती होते हैं, वो उपस्थित नहीं होते, तो अभी बताएं उसको क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, तो गैर संवहनी पौधा कौन सा हो जाएगा, कारक, कौन सा हो जाएगा, कारा हो जाएगा। कारक किसके अंतर्गत आता है, शैवाल के अंतर्गत आता है, किसके अंतर आता है, शैवाल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, तो क्या कहलाता है, अभी बताएं उसे क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। ब्रायोफाइटा मत मार दीजिएगा, उसे क्या बोला जाता है, थैलोफाइटा बोला जाता है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि थैलोफाइटा कौन होता, तो थैलस, ठीक है, थैलोफाइटा से क्या बना है, थैलस बना है। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता, तो कौन नहीं होता है, स्पायरोगायरा होता है, कौन होता है, स्पायरोगायरा होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। स्पायरोगायरा क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है, क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है, क्या होता है, एक प्रकार का शैवाल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो शैवाल कह रहा सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से पाए जाते हैं, तो शैवाल विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, शैवाल पानी में पाए जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, तो एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन सा आपको यहीं बताना है, तो एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है, क्या होता है, क्लेमाइडोमोनस होता है, क्या होता है, क्लेमाइडोमोनस होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा, कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा ब्रायोफाइटा होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रायोफाइटा शुरू हो जाएगा। अच्छा ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो इसके पहले आप पढ़ें कि जो थैलोफाइटा होता है उसमें क्या होता है, जड़, तना और पत्ती में विभाजन नहीं होता, इसमें विभाजन होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, इस समझ लीजिए ना कि बराबर ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस समय में पौधे जो होते हैं जड़, तना एवं पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं होते, बहुत हल्का होते हैं। तो ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को ही बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, तो एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा जाता है, ब्रायोफाइटा में रखा जाता है, ठीक है, ठीक है, किस में रखा जाता है इसको, एम्फीबियन, देखिए यहाँ पर जो एम्फीबियन दिया है इसी को इंग्लिश में उभयचर बोला जाता है, ठीक है, इस तो अभी पढ़े हैं कि उभयचर किसको बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को, तो एम्फीबियन मतलब उभयचर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें के तौर पर जाना जाता है, तो उन्हें किस तौर पर जाना जाता है, उन्हें ब्रायोफाइटा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये किस वनस्पति से संबंधित होते हैं, किस वनस्पति से संबंधित होते हैं, मार्केंसिया, किसके होते हैं, मार्केंसिया से संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, मार्केंसिया से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा थैलोफाइटा नहीं है, कौन सा नहीं होता है, फ्यूनेरिया, कौन सा नहीं होता है, फ्यूनेरिया होता है, ठीक है, ये थैलोफाइटा से संबंधित नहीं होता है, ठीक है, ये थैलोफाइटा से संबंधित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है, तो ब्रायोफाइटा नहीं कौन, कारा, अभी कारा पढ़ चुके हैं ना कि कारा किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है, कारा तो पढ़ चुके हैं ना, किस में आता है भाई, कारा, कारा पढ़ चुके हैं, किस में आता है, शैवाल के अंतर्गत थैलोफाइटा में आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राइजाइट्स के बारे में गलत है, तो राइजाइट्स के बारे में कौन सा गलत है,
तो इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती हैं, क्या है गलत है। इनमें पूर्ण विकसित तना और जड़ और पत्तियां होती हैं, यही राइजाइट्स के बारे में क्या है गलत है। राइजाइट क्या होता है, एक ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। जो राइजाइट्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट के निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए ब्रायोफाइटा में बताए हैं, इसमें जड़ तना जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, इसमें कह दिया कि पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वहीं फिर आ गया कि राइजाइट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो राइजाइट्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही हो जाएगा, पौधों की सहायता से यह अध अस्तर से जुड़े होते हैं, तो कौन सा सही है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है पूर्ण विकसित तना जड़ पाया जाता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोष की संरचना है, ठीक है, ये भी नहीं होता, बहुकोष की संरचना नहीं होता है, तो इसका कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है, तो अभी क्या बताएं, क्या कहा जाता है उसको, राइजाइट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइजाइट कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा क्या होती है, राइजाइट होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है, तो ब्रायोफाइटा में कौन सा शामिल किया गया है आपको बताना है, तो कौन किया गया है, रिक्सिया, ठीक है, कौन सा किया गया है, रिक्सिया को किया गया है, रिक्सिया को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो अभी पढ़े ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, रिक्सिया आता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या आता है, रिक्सिया आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो स्पायरोगायरा में विखंडन होता है, ठीक है, यह तो इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है, ठीक है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है, तो स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, स्पायरोगायरा में तो आपका विखंडन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, यानी पुनर्जनन होता है, प्लेनेरिया में रीजनन होता है, स्पायरोगायरा में विखंडन होता है, ठीक है, तो दोनों में, तो ये देखिए जिसका जो ऑप्शन बना यही गलत दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है, तो इसके लिए सबको एक नंबर कॉमन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ख़त्म हो गया तीन टॉप, देखिए यहाँ पर दो टॉपिक आपके ख़त्म हो गया, ठीक है, कि आप थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पढ़ लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, और उसके बाद आपके अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।